अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाने वाला हजारीबाग में इंटरनेशनल रामनवमी लगातार 36 घंटे शोभा यात्रा के बाद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बताते चले सुप्रसिद्ध रामनवमी का सफल आयोजन में जिला प्रशासन, समाज सेवी संगठन के अलावे हजारीबाग रामनवमी महासमिति का अहम योगदान रहा। कोरोना काल के बाद इतने बड़े स्तर पर हजारीबाग में रामनवमी आयोजन हुआ, जहां लाखों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में शहरों की सड़कों पर झांकियां और शोभा यात्रा निकली। शांति सौहार्द न बिगड़े इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा रैप, CRPF, ATS, झारखंड पुलिस, जिला पुलिस के अलावे होमगार्ड के लगभग 5000 जवानों की तैनाती भी की गई थी। हर एक झांकिया पर प्रशासन की कड़ी नजर रहे इसके लिए 200 जवानों की तैनाती भी की गई थी। हर एक झांकिया पर प्रशासन की कड़ी नजर रहे इसके लिए 200 से अधिक शहर के चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए गए, तो वहीं 20 से भी अधिक ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। शोभा यात्रा के दौरान भगदड़ की स्थिति न हो इसके लिए शहर के 26 जगहों पर बैरिकेड्स और फाटक बनाए गए। प्रशासन के लिए विभिन्न झांकियों को हजारीबाग के चर्चित जामा मस्जिद रोड से प्रवेश करवाना हर साल मुश्किल होता था, लेकिन इस बार बिल्कुल आसानी से सभी शोभा यात्रा और झांकियां को इस मार्ग से प्रवेश कराया गया। अगर पूरी रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा की बात की जाए तो 700 से भी अधिक लोग लाठीबाजी और तलवारबाजी में घायल हुए, जिसमें से 500 लोगों का इलाज जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए कैंप में ही करवा दिया गया, तो वहीं 200 लोगों का इलाज हजारीबाग के सदर अस्पताल में चला। बता दें कि एक की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, जिसको देखते हुए रांची रिम्स रेफर किया गया, लेकिन पूरी रामनवमी को लेकर कोई हताहत की खबर नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी के प्रयासों से हजारीबाग का सुप्रसिद्ध रामनवमी संपन्न हो पाया। इस सफल रामनवमी का आयोजन को लेकर हजारीबाग वासी प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से आरिफ खान की रिपोर्ट। तो 65 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।